गया में बेकाबू ट्रक में गुस्साए लोगों ने आग फूंक दिया। दरअसल सिविल लाइन थाना के करीमगंज ओवरब्रिज के पास एक बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंद दिया। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को परिजन उठाकर घर ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। हादसे में महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी जद में ले लिया। ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। गुस्साई भीड़ को देख ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक में आग लगाए जाने की खबर पुलिस तक पहुंची। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक में लगी भीषण आग को दमकल की गाड़ियों से बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है।